यूपी के बुलंदशहर में अनूपशहर की सुल्ताना के पति की सड़क हादसे में मौत के बाद ससुराल और मायके के लोगों ने नाता तोड़ा। बेबस माँ अपने कुछ माह के बेटे को 20,000 में बेचने पहुंच गई। वहीं शर्म की बात यह है कि खरीदार भी मिल गया। इस मामले के बाद डॉक्टरों ने स्थानीय पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने मामले को समझते हुए सुल्ताना की फैमिली को बुलाकर उनके हवाले किया। सुल्ताना का कहना था कि मजदूरी पर जाती तो मैं अपने बच्चे को कहाँ रखती। सुल्ताना ने कहा कि पेट पालने के लिए वो मजदूरी करेंगी, मगर बच्चा कहाँ छोड़कर जाए, इसीलिए उसने अपने बच्चे को बेचने का फैसला लिया था। बच्चे का पेट कैसे पालती, ये फिक्र भी सुल्ताना को सता रही थी। इस पूरे मामले पे देखिए क्या कहा पीड़ित सुल्ताना ने। कहाँ की रहने वाली हो सुल्ताना? ये जो बच्चा तुम्हारा गोद में है, तुम्हारा खुद का बच्चा है, तो इसे बेच क्यों रही हो? मेरा आदमी खत्म हो गया है। अच्छा, मेरे माँ बाप ने निकाल दिए, मैं अकेली कैसे खिलाऊंगी किसी ने, और मैं अपने अकेली खाऊंगी कमाऊंगी। तो फिर बच्चा क्यों बेच रही हो? बच्चे को जब तुम कमाओगी, बच्चा बेचने का ख्याल कहाँ से आया? मैं बच्चे को किसी के हाल पे छोड़ के जाऊंगी, कंपनी में किसी के हाल पे छोड़ के जाऊंगी, कोई ऐसी कोई रख लेगा किसी ने। तो कितने में बेचना चाह रही हो? 20,000। तो ये किसने आइडिया दिया कि अस्पताल पे आके बेचना, मतलब यहाँ कैसे आई? कोई गोद ले रहा बच्चे को। हाँ, उसमें ने दिया ना। हाँ, उसे बच्चे को मैंने, तो 20,000 वो यहाँ पे छोड़ के गया, मुझे यहाँ पे बच्चा ले लेना है। अब तुम ये चाह रही हो कि 20,000 में आपका बच्चा बिक जाए। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? कौन सी जगह, कौन सा थाना, कहाँ, कौन सा शहर है? अच्छा, वहाँ की रहने वाली हो। पति की कैसे मौत हो गई तुम्हारी की? एक्सीडेंट। और परिवार वाले भी तो होंगे? और कौन कौन है? अब कौन है तुम्हारे परिवार में बाकी? मेरी सास है, सास कैसे रखेगी?